नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आपका अपने YouTube चैनल वीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक नया सेशन जारी करेंगे जिसमें मैं परावर्तन के से संबंधित एमसीक्यू करवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा होगा वो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें, तभी क्या होगा आपको इसके जो एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे आपको अच्छे समझ में आएंगे। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं कि इनकी बहुत ज्यादा संभावना है। तो आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर आप स्किप करते हैं तो आपको कोई मतलब नहीं रहेगा क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें दिया पहला क्वेश्चन, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। तो ऑप्शन दिया है आपतित, और बी में दिया है विसरित, और सी में दिया है निमित, और डी में दिया समान। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया परावर्तन देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन के लिए मैंने बताया था सतह कैसी होनी चाहिए, चिकनी। तो चिकनी सतह या चमकीली सतह पे जब आपतित हो तो कौन सी घटना घटित होगी, तो नियमित परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। और देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो, दिया वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखा जाए अवतल दर्पण दिया इसमें, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों आपको मैंने चिन्ह परिपाटी बताया था, आपको अगर चिन्ह परिपाटी आएगा तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी, तो माइनस दिया 20 सेंटीमीटर, और जो वस्तु रखी गई है 30 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी को V से U से लिखते हैं, तो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कह रहे प्रतिबिंब की स्थिति यानी V का मान हमको निकालना है। तो दर्पण के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/ क्या होता है U होता है, सबकी वैल्यू रखेंगे, ये -20 है और V का मान हमको निकालना है कितना हो जाएगा, 1/-30। तो इसको इधर लेकर आएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/30 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1/V। एलसीएम लेंगे दोस्तों 60, तो 20 कितना होगा 60, और 30 दूना कितना होगा 60, इसको हल करेंगे तो -1/60 बराबर 1/V, तो V बराबर क्या आएगा, -60 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा तो आप बता देंगे जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूर पे बनेगा, और लेकिन माइनस चिन्ह यहाँ पर ये बताएगा वास्तविक, और प्रतिबिंब अगर वास्तविक बन रहा है तो उसका संबंध किससे होता है दोस्तों, उल्टे से। तो दो कंडीशन होगी, तो हमारा उत्तर देखेंगे ऑप्शन नंबर जो जिसमें 60 होगा वही हमारा क्या बिल्कुल सही है। बस आपको ध्यान देना है कि अगर माइनस चिन्ह है तो वास्तविक को दर्शाता है और दर्पण के सामने को बताएगा, और प्लस आएगा तो यह आभासी को बताएगा और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाएगा। तो आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको समतल दर्पण का एक सेपरेट लेक्चर पूरा बनाया और 24 मिनट का, अगर आप उसको देखते हैं तो समतल दर्पण से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप क्या अच्छे से कर पाओगे। तो देखते हैं इसमें, तो छवि कह रहा है, छवि का मतलब होता है प्रतिबिंब, की समतल दर्पण होता है उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उसके द्वारा रहेगा वास्तविक बनता है, सीधा बनता है दोस्तों, सॉरी आभासी बनता है, और पार्श्व उल्टा बनता है। तो देखेंगे आभासी किस ऑप्शन में है, तो आभासी और पार्श्व उल्टा तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या होती है। ये तो फिर वही क्वेश्चन रिपीट पूछ लिया, तो ऑप्शन देखते हैं, तुमको क्या देखना है, सीधा देखना है और पार्श्व उल्टा, और जो आकार पूछता है समतल दर्पण में तो जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसे समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी। तो दोस्तों हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें सही है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है, और सीधा बनेगा और पार्श्व उल्टा। तो पार्श्व उल्टा का मतलब तो दाहिनी चीज जो होती है बाएं में दिखेगी, और बाएं चीज क्या होती है हमारी दाहिने हाथ में दिखेगी, यही हमारा पार्श्व उल्टा हो तो आभासी तो बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, कार्टिजियन साइन कन्वेक्शन के अनुसार इसकी फोकस फोकल लंबाई किस तरह व्यक्त की जा सकती है। तो दोस्तों मैंने बताया अवतल दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, यानी अवतल दर्पण कुछ भी दिया रहे, फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या, तो हमेशा क्या लिखेंगे माइनस में, तो यार बराबर लिखेंगे -30 सेंटीमीटर। चिन्ह सही ढंग से पूछा है तो हमको फार्मूला पता होता है फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, बराबर आर बाई फोर।
टू यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो चिन्ह सही रखा जाएगा -3/2 में, तो भाग करेंगे तो बराबर कितना आएगा -15 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है यानी इसका उत्तर होगा -15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अब देख तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ऑप्शन दिया वाहनों में रियर व्यू मिरर, और सी बी में दिया शीशे की खिड़कियां, और सी में दिया है मेकअप दर्पण, और डी दिया है कैलिडोस्कोप। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अवतल दर्पण का जो प्रयोग करते हैं हम, वो जो वाहन होता है वाहन का जो पीछे का दृश्य देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को कहते हैं, एपचर दिया, पोल दिया, मुख्य धुरी दिया, फोकस दिया है। तो दोस्तों तो मुख्य फोकस की परिभाषा आपको मैंने बताया, मुख्य फोकस के बारे में मैंने पढ़ाया, जब मैंने पढ़ाया था आपको दर्पण से संबंधित परिभाषा, तो दर्पण में जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, मैंने आपको सब पढ़ा चुका। तो हमको बस यहाँ पे ध्यान देना, चाहे उत्तल दर्पण होगा चाहे क्या होगा अवतल दर्पण, ये तो अवतल दर्पण है, उत्तल में क्या होता है दोस्तों बाहर से कलाई करते हैं, सॉरी अंदर से। तो हमको ऐसा जब प्रकाश किरणें मानते हैं चलना स्टार्ट करती है तो परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से होकर जाती है उसको क्या कहते हैं हम, मुख फोकस कहते हैं या मुख तल कहते हैं, यानी यह होगा यहाँ पे जहां किरणें, सिंपल भाषा कह सकते हैं कि वह बिंदु जहां पे प्रकाश की किरणें जाकर एकत्रित होती है उस बिंदु को कहते हैं हम मुख फोकस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब की सतह पर स्थित होता है, तो दिया है वक्रता केंद्र, फोकल लंबाई, पोल और फोकस। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जो पोल होता है ध्रुव, यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति जो मापी जाती है वो कहाँ से मापी जाती है दोस्तों, या जो उसका बिंदु स्थित होता है कहाँ से, पोल यानी ध्रुव पे होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या में त्रिज्या के बीच संबंध है, तो ऑप्शन दिया है f r बराबर f/2, और f बराबर दिया 2r, r बराबर 2f और r बराबर f। तो दोस्तों मैंने यही संबंध आपको बताया, वक्रता त्रिज्या फोकल दूरी संबंध, तो f बराबर क्या होगा r/2। अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं r बराबर क्या होगा 2f, अब मिलाते हैं ऑप्शन में, तो r बराबर 2f किस ऑप्शन में दिया गया है, तो R बराबर 2F तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो ये तो इसी का क्वेश्चन ही पूछ लिया गया, इसी को दूसरे लॉन्ग में पूछ लिया गया है। तो दिया है वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी, और इसकी वक्रता त्रिज्या की 3 गुनी, वक्रता त्रिज्या की आधी, और इसकी वक्रता त्रिज्या के समान। तो फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही होता है ना, फोकस ये है और आर का आधा करेंगे तो हमारे फोकस दूरी मिलेगा। तो कह सकते हैं जो फोकस दूरी होती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ऑप्शन नंबर इसी इसका बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है तो इसका रेखीय आवर्धन क्या होगा, तो दोस्तों इसको हल करते हैं। और आपको मैंने रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला होता है मैं सिद्ध भी कर रहा है, तो इसका सबसे पहले फार्मूला पता कर लेते हैं कि हम बराबर होता है दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई बराबर -V/u। तो आई क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई होता है, ओ होता है वस्तु की लंबाई, और वी क्या होगा प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या होगा वस्तु की दूरी, और एम क्या होता है रेखीय आवर्धन। तो परिभाषा कभी कभी पूछ लेता है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन पढ़ा क्यों जाता है, वस्तु के आकार मापने के लिए, कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बढ़ रहा है कि वस्तु से बड़ा बढ़ रहा है या छोटा बढ़ रहा है, यानी जब वस्तु की लंबाई बताना हो या प्रतिबिंब का लंबाई बताना हो तो हमको रेखीय आवर्धन की आवश्यकता होती है। दोस्तों आप सवाल करते हैं जो इसमें दिया है। दिया है यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या, तो यहां से हम क्या निकालेंगे दोस्तों, पहले फोकस दूरी, तो यह बराबर क्या होता है r/2 दोस्तों, तो ये 5 दिया, 5 का आधा कर देंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 2.5 सेंटीमीटर, और प्लस मिलेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण है। अब कह रहा है दर्पण, उत्तल दर्पण 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो वस्तु की लंबाई यू रखी है यानी -10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है दोस्तों।
अब देखो रेखावर्धन कब तक नहीं लगा सकते, या तो हमको लंबाइयां पता होगी तब लगाएंगे, या तो दूरियां पता होगी। तो हमको यू का मान पता है यानी वस्तु की दूरी पता है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी नहीं पता है। तो क्या करेंगे हम, प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे। पहले तो दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/b - 1/ में होता है 1/u। अब रख देंगे इसमें f का मान 2.5, v का मान तो हमको निकालना ही है, इसका मान -1/10 इधर लेकर आएंगे, ये प्लस हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 हो जाएगा, 5 से काटते हैं तो 5 × 2 = 10, 5 × 5 कितना होगा, 25। अब नीचे एलसीएम होगा, 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 10। तो इसको हल करेंगे, 5 × 10 तो यहाँ पे 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, और 10 × 1 = 10 बराबर क्या होगा, 1/v। अब इसको हल करेंगे तो 5/2, 5/10 मतलब कितना, 1/2 बराबर 1/v, तो v बराबर हमारा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको ये भी पता होगा प्लस चिन्ह आएगा, तो प्लस मैंने क्या बताया था, ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। प्लस के लिए कैसा बनता है, आभासी, और आभासी का संबंध सीधा से होता है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और माइनस आता है तो वास्तविक बनता है, तो वास्तविक का संबंध उल्टे से होता है। और आपको ये अभी ध्यान देना है, सवाल में क्या गया, कहा गया उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की प्रत्येक अवस्था होता नहीं, प्रतिबिंब का जब पढ़ना, प्रतिबिंब का बनना जब हम पढ़ते हैं, तो उत्तल दर्पण की चाहे कोई भी कंडीशन हो, 6 कंडीशन होती है, तो सभी कंडीशन में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण का, सदैव कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, और आकार में हमेशा वस्तु से छोटा ही होता है दोस्तों इसका। अब हमको फार्मूला पर रख देना, रेखीय आवर्धन हमको ज्ञात करना, तो यहाँ बराबर क्या होगा, दूरी को हमको पता है -v/u, तो माइनस तो रहेगा ही चिन्ह, ये v का मान 2 है और u का मान दोस्तों कितना है, -10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0.2। अब इसका कोई यूनिट होता नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और इसका यूनिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी, दूरी का मात्र मीटर, और प्रतिबिंब की दूरी ये भी क्या होगा दोस्तों, मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, इसलिए रेखीय आवर्तन का कोई मात्रक नहीं होता। तो ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी बिल्कुल सही है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिया डैश डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने बताया दर्पण के बारे में, दर्पण अगर देखा जाए दो प्रकार का होता है, गोली दर्पण, एक समतल दर्पण, गोली दर्पण और दूसरा समतल दर्पण होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसका अलग से पूरा एक लेक्चर ही बना दिया है। और दोस्तों इसमें होता है दो प्रकार, गोली दर्पण में देखा जाए एक अवतल होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। और दोस्तों अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी, अभी अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपसारी। आप देखो अभिसारी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा दर्पण जहां पे क्या होती है, जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है, तो उसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। और ऐसा दर्पण जो प्रकाश की किरणों क्या करे, बिखेर दे, उसको कहेंगे अपसारी दर्पण। तो दोस्तों इसमें किसकी बात कहा, कि अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो अभिसरण दर्पण उसको कहेंगे जो क्या करेगा, प्रकाश किरणों को पूरा अवशोषित करेगा यानी एकत्रित कर देगा। तो इस दर्पण को क्या कहेंगे आप, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण ही होता है जो प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं, एकत्रित कर देता है। अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश किरणों को एकत्रित करना, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण में हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी सीधा और समान आकार में होता है। तो दोस्तों समान आकार में आभासी सीधा किसमें बनता है, समतल दर्पण में बनता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया एक वक्री दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री होती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों ये परिभाषा से क्वेश्चन पूछा गया है, तो परिभाषा आपको याद रहनी चाहिए। उत्तल दर्पण की जान मान ले तो पूछ लेता, उत्तल दर्पण की क्या होता है, इसमें अंदर की ओर कलई होगी और जो परावर्तन तल होता है वो बाहर की ओर होता है। तो दोस्तों अगर कलाई अंदर की ओर होगा और परावर्तन उभरे हुए तल से होगा तो क्या होगा, उत्तल दर्पण, और इसमें क्या होगा, कलाई बाहर की ओर कर देंगे और जो परावर्तन तल होगा अंदर की ओर होगा, यानी अंदर की ओर तरफ परावर्तन होगा, तो उस दर्पण को कहेंगे हम अवतल दर्पण। तो देखते हैं दोस्तों पूछा क्या गया, इसमें दिया एक वक्री दर्पण जिसमें
परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री होता है, तो अंदर की तरफ कहा गया, तो दोस्तों परावर्तन अंदर किसमें होता है, अवतल दर्पण में, यानी अवतल दर्पण हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज ये हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, पढ़ते हैं। दिया सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, तो ऑप्शन दिया उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण और समतल दर्पण। तो दोस्तों सर्च लाइट में हम क्या किसका यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये आज से हमारा 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और उसके आगे मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा, और जिसमें मैं किस न्यूमेरिकल और इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, और जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, जिसको साइंस कुछ भी नहीं आता, अब वीडियो को वन बाय वन क्या करता रहे, वो देखता रहे, मैं दावा करता हूँ एक दिन उसको क्या होगा, साइंस अच्छे से आने लगेगी दोस्तों। तो और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो इस चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले उन तक पहुंचे।